एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री मैंने छोड़ा है, क्योंकि मैंने छोड़ा भी इसलिए ना कि यहाँ इसके अलावा मेरे पास करने लायक कुछ भी नहीं था। मैंने 11 साल काम किया है, 11 साल आइटम नंबर किया है, और बहुत ज़्यादा ही कर लिया था मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अलावा मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे करने लायक कुछ है, तो इसीलिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ा। सबसे पहले तो प्लैनेट भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को सीमा सिंह का प्यार भरा नमस्कार। सौरभ कुमार का भी नमस्कार। रही बात काम की, तो फिलहाल हम लोग मैं फिलहाल घर गृहस्थी संभाल रही हूँ, और इसी के साथ साथ हमारा होम प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है दिसंबर तक सब कंप्लीट भी हो जाएगा, तो सबके सामने भी आ जाएगा। तो चल रहा है होम प्रोडक्शन का धीरे धीरे सब काम। मैं बस इसके पीछे पीछे रहता हूँ कि हाँ कैसे क्या करना है। और हाँ, जैसा कि इसने बताया कि दिसंबर तक, एक्चुअली दिसंबर तक हम लोग ऑन द फ्लोर रहेंगे शूट के लिए। तो देखते हैं, बाकी काम तो धीरे धीरे चल रहा है हम लोगों का। मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने भोजपुरी के लिए छोड़ दिया है, एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री मैंने छोड़ा है, क्योंकि मैंने छोड़ा भी इसलिए ना कि यहाँ इसके अलावा मेरे पास करने लायक कुछ भी नहीं था। मैंने 11 साल काम किया है, 11 साल आइटम नंबर किया है, और बहुत ज़्यादा ही कर लिया था मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अलावा मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे करने लायक कुछ है, तो इसीलिए मैंने इंडस्ट्री छोड़ा। बाकी मेरा डांस क्लास चल रहा है, डांस क्लास में अभी मैंने जुम्बा शुरू किया है, योगा क्लास शुरू किया है, उसके बाद वो तो चल ही रहा है। हिंदी में तो मैंने बोला ही था लोगों को कि कभी ना कभी तो मैं करूँगी, क्योंकि मेरा होम प्रोडक्शन, तो उसका फ़ायदा तो मैं उठाऊँगी। तो फिलहाल के लिए तो मैंने ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई, तो शादी को समय देना बहुत ज़रूरी है। रियल ज़िंदगी जी लिया, थोड़ा सा रियल ज़िंदगी जीना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बता रही, बहुत अच्छा। नहीं, मुझे डांस का डी भी नहीं आता। ठीक है, एक्चुअली बचपन से मैंने कभी, मेरा कभी शौक ही नहीं रहा कि मैं डांस करूं या एक्टिंग करूं। और मतलब जिसको ये मतलब बचपन से होती है ना कि हाँ मैं डांस करना है, उसको उसके अंदर दिख जाता है कि वो डांस करेगा या एक्टिंग करेगा। बट मेरे अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैंने आज तक कभी डांस नहीं किया, सिवाय बस एक बार डांस किया था। आई थिंक मेरे बड़े मामा की शादी थी, तो उसमें बस थोड़ा हाथ हिलाया था। उसके अलावा मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया नहीं, ये डांस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम दोनों का डांस होता है। और मैं सच बता रही हूँ कि बहुत अच्छा कपल डांस है, बहुत अच्छा करते हैं मेरे साथ। बाकी वैसा डांस तो इन्होंने नहीं किया है, वो तो बात सही है। ABC 1 2 3 4 करके सिखाना चाहा तो फिर मैं ही डांस भूल गई थी। हमने कोशिश की थी। हाँ, मैंने बोला ऐसे करो, 1 2 3 4, 2 बार 3 बार 4 बार बोल के मैंने बोला क्या सिखा रही थी मैं। तो बाकी कपल डांस अच्छा करते हैं, मेरे साथ डांस बहुत अच्छा करते हैं, मतलब मैंने ज़्यादा मतलब कम बोलना सीखा है, इसलिए ना कि कम बोलने से ज़्यादा इज्जत बनी रहती है। मुझे बहुत आदत थी, पता नहीं, फट 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 बोलने का, तो इन्होंने ना मेरे अंदर वो चीज़ लाया है, आराम से बोलो, अच्छे से बोलो, क्योंकि लोगों को समझ आए वो बोलो, फट 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 बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इन्होंने मुझे वो चीज़ का ज्ञान दिया है, मैंने ये चीज़ सिखाया है मुझे कि शांत स्वभाव, जैसे ये है ना, ऐसा इन्होंने मुझे अभी बना दिया। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बन रही हूँ, मतलब जितना अभी बोल रही हूँ ना, तो इससे ज़्यादा मैं बोलती थी पहले, हाँ पता, ये करती थी। तो इन्होंने मुझे एक सरल रहना सिखाया है। नहीं, आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई चेंजेस आए। नहीं, एक्चुअली हाँ, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, हम दोनों एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी नहीं रहे। जब हम लोगों की बात हुई तो सीधे एंगेजमेंट और फिर शादी, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं। नहीं, अभी तो रह रहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। एक्चुअली सच बताओ, मैंने बोला ना, ये समय लाइफ में बार बार नहीं आता है, ये समय हम लोग वही सोच के एंजॉय कर रहे हैं कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इसलिए हमें लगता है ना कि कल हमारी शादी हुई। आप 6 महीना बोल रही हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कल ही तो शादी हुई है, चलो आज ये करी क्या, चलो यहाँ चले गया, चलो वहाँ चले गया, तो वो लाइफ हम लोग इस समय जी रहे हैं। बचपन से लेके आज तक सबसे बड़ा दिन मेरे लिए, मतलब सबसे बड़ा साल सीमा मिली। ठीक है, शादी हो गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए। मैंने ना रील की ज़िंदगी जिया है 11 साल, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इन्जॉय कर लूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया, घूमना फिरना, पिक्चर देखना, ऐश करना जिसे बोलते हैं। तो मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, रियल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, और ये ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लग रही। तो थोड़ा घूम फिर ले, 11 साल काम किया है, 2 4 साल तो दे दो,
घूमने फिरने के लिए, अपनी असली जिंदगी जीने के नहीं, लिए। मैं बताता हूँ अभी, जैसा कि मैंने बताया कि ये साल बहुत अच्छा गया, ठीक है, सीमा मिली, अब एक ही साल में सारी खुशी आएगी तो दिक्कत है, थोड़ा नेक्स्ट ईयर को भी मौका मिलना चाहिए। शायद काउंटेबल मुश्किल है, बट आई थिंक 20 to 25 मूवीज तो पक्का देखा होगा हम लोगों ने। हाँ एक्चुअली फिल्म देखने जाते हैं इंजॉय के लिए, बट मैं फिल्म इसलिए देखने चली जाती हूँ इनके साथ में, मैं बहुत बोरिंग लड़की थी एक्चुअली, मुझे काम के अलावा कुछ पसंद ही नहीं आता था। अब सब चीज़ें इंजॉय कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग तो मैं इंजॉय करने जाती थी, पिक्चर देखने जाती थी घूमने के लिए। अब ये हो गया ना, खुद का होम प्रोडक्शन चालू हो रहा है, तो देखने जाती हूँ क्या है पिक्चर में, बैकग्राउंड क्या है, ये मुझे चलते तुम पिक्चर देखो बैकग्राउंड क्या देखो, देखो देखो रियल सीन शूट किया है, हम भी ऐसे ही करेंगे। तो मेरे लिए अब वो चीज़ बन गई कि अब मैं सोचती हूँ, जब मैं आइटम नंबर करती थी ना, तो किसी भी हीरोइन का आइटम सॉन्ग आता था, हाँ कितना अच्छा ड्रेस पहनी, कितना अच्छा ज्वेलरी, गाना मैं देखती ही नहीं थी, मैं सिर्फ उनका ड्रेस ज्वेलरी हेयर स्टाइल और शायद वही चीज़ मैं अपने ऊपर करती थी, और उस समय सब भूल जाती थी। अब ये हो गया ना कि अब प्रोड्यूसर बन गई हूँ शायद, तो अब अंदर वो चीज़ आ गई कि लोकेशन कितना अच्छा है, वो उसमें कितना अच्छा खर्चा किया है, ये पीछे गाड़ी देखो कितने अच्छे से किया है, ये कितना अच्छा लग रहा है, तो अब मेरा ध्यान है ना पिक्चर पे कम और ये सब चीज़ों पे ज़्यादा जाने लग गया है कि अपनी फिल्म भी ऐसी बने और हम दोनों बैठ के मल्टीप्लेक्स में ऐसे ही देखें, तो वो आ जाता है। पता नहीं, शायद कलाकार थी तो उस समय वो चीज़ थी, और अब एज अ प्रोड्यूसर करने जा रही हूँ तो शायद अब वो चीज़ अंदर अपने आप आ रही, स्पॉन्सर कौन है, ये कौन है, वो कौन है, स्टार्टिंग पहले फ़ोटो खींचते नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग फ्लोर पे मतलब शूट के लिए दिसंबर तक जा रहे हैं, बट बाकी चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा थोड़ा वेट करना अच्छा होगा, जब मैं प्रॉपर अनाउंसमेंट करूँगा कि हाँ हमारी मूवी क्या है, लोग कौन कौन से हैं जुड़े हुए, जो कि ऑलमोस्ट साइंड हैं, बट फिर भी मैं डिस्क्लोज एक प्रॉपर तरीके से ही करूँगा। मूवी का जो भी नाम हम लोगों ने रखा है, ठीक है, वो प्रॉपर एक हम लोग साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि सब लोग आए, ठीक है, और उसमें हम लोग डिस्क्लोज करें। मैंने ऐसा सोचा नहीं, इनकी बड़ी इच्छा है ये बोलते हैं मुझे कि अरे पहली फिल्म है, तुम करो, तुम लक्की हो मेरे लिए। अच्छा ये बता दूँ मैं लोगों को कि ये ना मुझे अपने लिए बहुत लक्की मानते हैं खुद की तारीफ, तो ये बोलते हैं कि पहली फिल्म है तो तुम करो, बट मेरा अभी कोई ऐसा मन नहीं है, आगे का मैं नहीं बोल सकती, बट अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि मैं कुछ करूँगी। मेरी फिल्म है तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दूँगी कि फिल्म एक अच्छी बने, लोगों तक लोगों का ये कहना हो कि हाँ वाह क्या फिल्म बनाया है, एक कलाकार ने एज अ प्रोड्यूसर बन के क्या फिल्म बनाया, तो मैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी, मुझे फिल्म बेचनी भी है तो हर एक चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए करूँगी, तो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं करूँगी, वरना अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। और अभी हम लोगों ने जैसा कि सीमा ने बताया भी कि भोजपुरी तो प्रॉपर उसने मतलब अलविदा कह दिया है, बट एज अ प्रोडक्शन मैं मतलब अभी तो नहीं बता पाऊँगा, बट अभी कोई प्लानिंग नहीं है भोजपुरी के लिए कुछ भी करने का, अभी जो भी होना है वो हिंदी के लिए ही होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। एक्चुअली डांस घमासान जो हम लोगों ने किया था, हम करना तो चाह रहे थे, बट हम लोगों को काफ़ी लोगों ने ये राय दिया है कि सर आप हिंदी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि भोजपुरी में इस समय बहुत, पता नहीं, हम लोग भोजपुरी फिल्म भी स्टार्ट करना, स्टार्टिंग हम लोगों का यही था कि हम लोग भोजपुरी फिल्म करें, लेकिन बहुत नेगेटिव चीज़ें हम लोगों को झेलनी पड़ी, जैसे मैं खुद एक कलाकार हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है कि रिटर्न नहीं आता है, ये नहीं, तो जो हमारे शुभचिंतक थे उन्होंने हम लोगों को यही चीज़ बोला, खासकर इनको, कि सर आप कर रहे हैं तो आप प्रॉपर हिंदी करिए, भोजपुरी का जब आपको करना है आप समझ आ जाए कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ तो वो करिए, लेकिन फिलहाल इस समय आप भोजपुरी में हाथ मत डालिए वरना आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो मैंने भी फिर इनको यही राय दिया कि एक काम कीजिए, आप हिंदी शुरू कीजिए जब करना है, तो भोजपुरी तो अपना घर है, वहाँ तो हम लोग कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए फिलहाल अभी हम लोग हिंदी कर रहे हैं, आगे का देखते हैं। प्लैनेट भोजपुरी तो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है और इतने सारे इंटरव्यू इस चैनल पे किए हैं, दर्शकों का इतना प्यार मिला है, बस यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो बना हुआ है, इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। लव यू ऑल। प्लैनेट भोजपुरी।